हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है और फूड पैकिंग का काम है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें डायरेक्ट जो है कंपनी का वीज़ा लगेगा, ठीक है, कोई सप्लायर का काम नहीं है। आदमी बहुत सारे लोग जाते हैं और सप्लायर में फंस जाते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता है कि डायरेक्ट कंपनी कौन सा है और कौन सा सप्लायर है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो डायरेक्ट वीज़ा प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारे कंपनीज जो है, ज़्यादातर कंपनीज जो है सप्लायर वीज़ा प्रोवाइड करते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी का वीज़ा आया हुआ है, अल हबीब कंपनी है, कैटरिंग कंपनी है, और इसमें जो है आपको फूड पैकिंग करने का काम रहता है, ठीक है। और कंपनी के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, और वेटर का भी काम रहता है जो खाना प्रोवाइड करते हैं, उसका भी काम है। तो बहुत सारे कैटेगरी के काम है इसमें, लेबर बोल के तो बहुत सारे काम है, लेकिन जो लेबर कैटेगरी में जाते हैं उनको फूड पैकिंग का ही काम मिलता है। फिर 3 महीना 6 महीना काम करता है, फिर वहाँ क्या काम होती है जो उससे ऊपर के पोजीशन होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है आपको फूड पैकिंग का ही काम मिलेगा, आगे जाने के बाद 3 महीना 6 महीने के बाद में जो है वहाँ पे जो और भी पोजीशन है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अभी इसमें खाना पैकिंग करने का ही काम है, फूड पैकिंग करने का काम है। अल हबीब कंपनी का नाम है और ये जो है कैटरिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो कंपनी अच्छी है और कोई भी डायरेक्ट कंपनी का अगर वीज़ा लगता है उसमें सैलरी आपका कम होएगा, ठीक है, क्योंकि उस कंपनी का जब वीज़ा लगता है और आप कंपनी के अंदर काम करने जाते हैं तो जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो आपको जो है कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको कंपनी देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, मान लो अलमावारिज है और महारा कंपनी है, ये सब क्या है, सप्लायर कंपनी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको बोनस मिलेगा और ओवर टाइम का जो भी आप करते हैं कंपनी की तरफ से जो भी मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा जो है जो कंपनी मवारिज कंपनी का वीज़ा लग गया तो उनको मिलता है। ये सब जो कंपनी है तो डायरेक्ट आपको जो है जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसा 2 महीने या 3 महीने के अंदर में बोनस मिलेगा वो डायरेक्ट आपको मिलेगा। आप ऑफ के दिन अगर आप काम करते हैं, जैसे जुम्मा के दिन छुट्टी होती है उस दिन भी आप काम करते हैं तो उसका भी बेनिफिट जो रहता है डबल मिलता है, तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम आप करते हैं तो ओवर टाइम में कैसा रहता है कि आपको जैसा पूरा दिन भर आप काम करते हैं, ठीक है ना, मान लो आप 100 रुपये का काम करते हैं, आप अगर ओवर टाइम अगर आप काम करेंगे तो आपको 200 रुपये देगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट्स रहती है डायरेक्ट वीज़ा में और सप्लायर वीज़ा में। तो ये खाना पैकिंग करने का काम है और सैलरी जो है इसमें 750 रियाल है और फूड जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें खाने का आपको कुछ भी नहीं करना है, काम करके आए, 8 घंटा ड्यूटी करना है, 8 घंटा ड्यूटी करके आए, खाना अगर रखा हुआ है खाना खाए मस्त में आराम करके, अब बात करना है घर पे बात करो, नहीं तो सोना है सो जाओ, ठीक है। इसमें खाना वाना बनाने का या बाहर खाने जाने का कोई झंझट नहीं है, जो भी है सारा चीज़ जो है कंपनी आपको करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और इसमें जो है ए टू जेड चीज़ जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसा वॉशिंग मशीन मिल जाएगा आपको कपड़े धोने के लिए, कोई कोई कंपनी तो कपड़ा धुल के देते हैं, और वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, खाना बना बनाया हुआ मिल जाएगा आपको, नाश्ता खाना चाय जो भी रहता है सारा चीज़ जो है आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो 750 बेसिक सैलरी है, 750 का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 16,000 के करीब होता है, 16-17,000 के करीब। लेकिन इसमें जो है 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद अगर आप करते हैं 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा जो भी ओवर टाइम मिलता है उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। 750 आपको बेसिक सैलरी है ना, तो 750 आपको ओवर टाइम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अगर आपको जाना है। मैक्सिमम सैलरी आप ये मान के चलिए आपको 30,000 किधर भी ले जाएगा, 30,000 हर हाल में बचेगा आपको, ठीक है, क्योंकि खाना पीना तो सारा चीज़ कंपनी दे रही है। ओवर टाइम अच्छा खासा अगर आपको मिल जाता है 30,000 किधर भी ले जाएगा, ठीक है ना। तो
इसमें 85,000 रुपये खर्चा है। और अगर आप जाना चाहते हैं मेडिकल करके, गंगा मेडिकल करके, मेडिकल और पासपोर्ट आप दे दीजिए, ठीक है। वीज़ा आपको लगने के बाद पेमेंट देना है, एडवांस पेमेंट नहीं है इसमें, ठीक है ना। वीज़ा लगने के बाद आपको 40,000 देना है, टिकट मिल जाएगा जाने के टाइम में, और 45,000 दे करके आपकी फ्लाइट हो जाएगी। एग्रीमेंट पेपर मिलेगा हमारे ऑफिस का आपको, ठीक है। और कंपनी आपको जो है खाना दे रही है, रूम दे रही है, आना जाने का ट्रांसपोर्टेशन बस रहेगा वो आपको फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बोनस मिलेगा, रिटर्न टिकट 2 साल के बाद जो है आपको आना जाने का टिकट मिलेगा, और 2 महीने का छुट्टी है इसमें, ठीक है। जाना चाहते हैं आप फटाफट अपना मेडिकल करके, कल का कल मेडिकल क्लियर कर लीजिए, मेडिकल करके मेडिकल पासपोर्ट आप कूरियर कर दीजिए, आपका काम जो है 100% हो जाएगा। आपको यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लाइट जहाँ से भी रहेगी आपको बता देंगे फ्लाइट के टाइम में, उधर जा करके 1 दिन पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, फ्लाइट चले जाइए, ठीक है, फ्लाइट हो जाएगी। तो बेनिफिट्स बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, और काम तो बहुत आसान सा काम है, कोई भी ये काम कर सकता है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अगर आप जाना चाहते हैं आपका मेडिकल पासपोर्ट दे दीजिए या मुंबई ऑफिस में आला करके जमा कर दीजिए, आपका 100% काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh